नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने वैधियों की अवस्था, कौन से वैधि में कौन कौन सी अवस्था कौन से दिन में आती है ये बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें ज्वर यह अध्याय पूरे डीपली समझना चाहिए। तो ज्वर ये वैधियों में उन्होंने कौन से दिन में कौन सी अवस्था आती है ये बताया है। यही सिद्धांत हर वैधि में कॉमन है, बिकॉज ज्वर ये हर वैधि का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो तरुण ज्वर मतलब कौन सा भी वैधि, ये एक्यूट फेज में है, ये तरुण है, ये नया है, ये हम कब बोलेंगे? जब वो 7 दिन तक वो वैधि उस कंडीशन में है तो उसे हम तरुण ज्वर बोलेंगे, नहीं तो तरुण वैधि बोलेंगे। 7 दिन तक वो वैधि तरुण अवस्था में रहता है। तो उस कंडीशन में देना क्या है? उस कंडीशन में बस हमें लंघन करना है, जैसे कि अतिसार में बोला है कि नादो संभय, रक्त पित्त में भी बोला है संबंध करना नहीं है, तो उसकी उपेक्षा करो, उसको लंघन करो, उसको लंघन। बिकॉज इनिशियल फेज में जो वैधि रहता है ये रस कामित्व रहता है, रस की अगर पचन हो जाएगा तो वैधि प्रोग्रेस नहीं करेगा और वैधि वहां का वहीं ही वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए मंडा पेया यू शवागु जो हर वैधि में जो आया हुआ है वो तरुण ज्वर की मतलब तरुण वैधि की चिकित्सा है। उस वैधि के अनुसार भले वो काफ रहने दो, ग्रहणी रहने दो, राजक्षमा रहने दो, उसमें आए हुए जो मंडप या यू शेवागु है वो जो ट्रीटमेंट है वो तरुण ज्वर की है। उसके बाद मंद ज्वर, मध्यम ज्वर ये बोला है, मध्यम ज्वर की जो कंडीशन है 7 to 12 days, ये जो वायरल फीवर जो रहते हैं ये मध्यम ज्वर के अनुसार रहते हैं, 7 to 12 days तक वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड लेता है। तो ये मध्यम ज्वर ये 7 to 12 days का रहता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें पाचन ये ड्रग देने हैं। 7 days के बाद हमें जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी है वो पाचन देना है। तो ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है मध्यम ज्वर में? तो पहला है अशब्द सामे। अशब्द सामे मतलब जहां पे दोष दुष्य और मल ये अशब्द है, मतलब बाहर निकल रहे हैं, मल मूत्र स्वेद ये बाहर निकल रहे हैं, पूरी ये बाहर निकल रहे हैं, बाहर शरीर से बाहर टॉक्सिन जा रहे हैं, सलाइवेशन हो रहा है, नाक से कफ बह रहा है, तो ये अवस्था है, ये अशब्द साम है। यहाँ पे हमें पाचन करना है। हर कंडीशन का साम अवस्था अलग है, अकॉर्डिंग टू दोष दुष्य, अकॉर्डिंग टू उनके मल, ये उनके अशब्द साम है यहाँ पे, वो हमें देखना चाहिए और उसमें हमें पाचन देना है। अब ये पाचन क्या है? तो ऑल कल्पस जो भी योगराज उगुल बोलो या त्रिभुवन कीर्ति बोलो, संचमनी वटी बोलो, जो भी कल्प आया है दे आर पाचन। पहली अवस्था क्या थी? लंघन में क्या था? मंडप या यू शेवागु। सेकेंड अवस्था क्या है? पाचन। पाचन में क्या है? तो कल्प देने हैं। तो ये कल्प कब देने हैं? 7 to 12 days में हमें कल्प देने हैं। तो ये हो गया अशब्द सामे, जब सामता है तो पाचन करना है, अगर निरामता है तो क्या करना है? निरामता है तो शमन करना है। बस शमन जो ड्रग है अकॉर्डिंग टू डिसीज, हमें एक सिंगल ड्रग का, अगर ज्वर रहता है तो हमें तिक्त रस देना है, राजक्षमा है तो मधुर रस देना है, और क्या बोलते हैं प्रमेह तो कटु रस देना है, तो उस रस के अनुसार हमें शमन करना है। अगर स्तब्धता है, दोष बाहर नहीं निकल रहे और स्तब्धता है और शरीर में सामता है, जकड़ावट है, रुल्लास है, गौरव है, तंद्रा है, तो हमें क्या करना है? तो लंघन ही करना है, भले वो 7 to 12 days होने दो, मध्यम अवस्था होने दो, तो लेकिन हमें दवाई देनी नहीं है, हमें लंघन ही करना है। तो इसके बाद में अगर 12 days के ऊपर जाता है वो डिसीज, 12 days के ऊपर वो डिसीज जाता है तो उसे पुराण डिसीज बोलते हैं, पुराण ज्वर बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है? तो उसमें हमें घृतपान करना है, बिकॉज शरीर में बल का ह्रास होता है, दोष दुष्य भी क्षय होने लगते हैं, तो ब्रूहन के लिए हमें वहां पे घृतपान करना है। तो इसीलिए हर डिसीज में घृतपान ये बताया है, घृतपान से अग्नि प्रदीप्त होती है और अग्नि प्रदीप्त होने के बाद पूरे शरीर में मेटाबोलिज्म अच्छा होता है और शरीर में बल बढ़ने लगता है। ये हो गया पुराण ज्वर, जो कि 12 दिन के ऊपर का जो भी डिसीज है वह पुराण ज्वर, पुराण डिसीज। और इसके ऊपर जीर्ण ज्वर बोला है, जीर्ण ज्वर ये 21 days के ऊपर का जितना भी डिसीज है उसको जीर्ण ज्वर बोला है, जीर्ण डिसीज बोला है, क्रॉनिक डिसीज बोला है। तो उसमें क्या करना है? तो उसमें घृतपान करना है, शीरपाक, शीरपाक की जो भी कल्पना है, अर्जुन शीरपाक बोलो, जो भी शीरपाक विधि है और दुग्धपना है, ये हमें जीर्ण ज्वर में देना है। इससे ग्रहण होता है, इससे सप्त धातु वर्धक होता है, शीर ये रसतु शुक्र मतलब रसतु हंस में दस्य मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु वर्धक, ये सिंगल ड्रग है। तो उसके अनुसार हमें कौन से धातु पे गामित्व चाहिए, तो शीरपाक विधि से
अगर कल्प देंगे तो क्रॉनिक डिसीज हमें शीर्पाक विधि से हम जीत सकते हैं। इस हिसाब से हमने चार कंडीशन देखी, तरुण ज्वर में लंघन करना है, मध्यम ज्वर में पाचन करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पुराण ज्वर में या पुराण व्याधि में हमें घृतपान करना है और जीर्ण व्याधि में हमें शीरपान करना है, दुग्धपान करते हो, तो इस हिसाब से ये चार अवस्था है, चार कंडीशन और चार ये ट्रीटमेंट है। हर व्याधि में यही कंडीशन से ड्रग आए हुए है, अगर आपने अच्छी तरह से उसको देखा है तो आपको ये चार कंडीशन, चार अवस्थाएं, चार ट्रीटमेंट आपको पता चलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर देता हूँ। थैंक यू।